किसान खुशहाल नहीं होगा, हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम इसलिए और भी आप लोगों से बहुत से गाने जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, बहुत से गाने भी हैं और व्यक्ति को बदलने में देर नहीं लगती। बहुत से लोग बदल जाते हैं, समय समय पर बदल जाते हैं। मैं इस मौके पर आपको याद दिलाना चाहते हैं, वक्त के साथ न बदले उसे इंसान कहते हैं, और वक्त के साथ जो बदलता है उसे क्या कहते हैं? वक्त के साथ न बदले उसे इंसान कहते हैं, वक्त के साथ जो बदलता है उसे हैवान कहते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बदल जाते हैं, आज के समय में बहुत से लोग बदलते हैं, जरा सा कुछ है देखने लगे और जरा सा भी परेशानी में आए तो बदल जाए। बहुत से हम लोग तो रोज देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं जो हमारे साथ और बहुत सा फायदा भी पहुंचा है उनको, लेकिन आज देखते हैं नहीं। इसलिए मैं इस स्तर पर अपने छात्रों से कहेंगे, बहुत सा अब आपके जीवन की शुरुआत होने वाली है, बहुत आपके जीवन की शुरुआत होने वाली है। अभी तो छात्र थे लेकिन अभी तो जिम्मेदारियां आने वाली है, पढ़ना लिखना है, और अब आपको जीवन आपको जीवन में जाना है, शादियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, मुसीबतें भी आएंगी, बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव आना है। लेकिन हम कहेंगे अपने जीवन में न मोह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। मुस्कुराते रहना जीवन में, मुस्कुराते रहना। अगर गम भी आ जाए, अगर खुशियां आए तब तो अच्छा ही है, लेकिन वक्त में अगर गम भी आ जाए, संकट भी आए, कुछ भी आए, लेकिन मुस्कुराते रहे। बहुत से लोग बदलेंगे, आपका साथ छोड़ेंगे, बहुत से लोग साथ भी छोड़ सकते हैं। अच्छे दिन आएंगे तो सब साथ रहेंगे, अगर कहीं खराब दिन आए तो बहुत से लोग छोड़ भी जाएंगे, लेकिन उन मुसीबतों के दिन में मुस्कुराते रहना और चौधरी चरण सिंह को याद करते रहना, स्मरण करते रहना और बुजुर्गों का सम्मान करते रहना। बुजुर्गों का सम्मान जरूरी है। जब तक आप तो बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक तरक्की के रास्ते पर नहीं पहुंच पाएंगे। बुजुर्गों से सीखना है, बड़े लोगों से सीखना है, और हमने कई बार कहा है कोई भी व्यक्त पदों से बड़ा नहीं होता, पद से बड़ा नहीं होता है, व्यक्त अपने नाम से बड़ा होता है। चौधरी चरण सिंह, और हम तो इस अवसर पर ये भी कहना चाहते हैं, आपने देखा होगा आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, चौधरी चरण सिंह से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनको तो भारत रत्न मिल गया, और चौधरी चरण सिंह से पीछे
जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनको भी भारत रत्न मिल गया है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को क्यों भारत रत्न नहीं मिला?